में इन दिनों बहस का नया विषय है मुस्लिमों की बढ़ती आबादी। फ्रांस हो या डेनमार्क, हर जगह यह मुद्दा सियासी तौर पर गर्म है। यूरोप में बढ़ती मुस्लिम आबादी जहां कुछ सियासी दलों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, वहीं लिबरल पॉलिटिक्स स्कूल ऑफ थॉट के लोग इसे इस्लामोफोबिया बताते हैं। इस्लामोफोबिया यानी मुस्लिमों के डर का झूठा हवा खड़ा करना। फ्रांस के ताजा दंगों ने इस मुद्दे को हवा दे दी है, लेकिन एक दिलचस्प सवाल उठता है कि आखिर यूरोप में मुस्लिम आए कब। यूरोप में मुस्लिमों के इतिहास की बात कर लेते हैं। 8वीं से 10वीं शताब्दी में उत्तरी अफ्रीका के मूर जनजाति के जरिए इस्लाम ने दक्षिणी यूरोप में प्रवेश किया। मूर एक मुस्लिम जनजाति थी। इसके बाद मुस्लिम स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिण इटली और माल्टा की तरफ बढ़े। सदियों पुरानी इस्लामिक राजनीतिक संस्थाएं इन देशों में आज भी मौजूद हैं। ऑटोमन साम्राज्य की जीत के बाद इस्लाम का प्रभाव तेजी से बढ़ा। अब आते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के यूरोप में। जिस फ्रांस में बवाल मचा हुआ है, वहां 2003 में हुए एक सर्वे में 47% लोगों ने खुद को नास्तिक घोषित किया। यूरोप को पोस्ट ईसाई यूरोप भी कहा जाने लगा। यानी यूरोप में एक तरफ धर्म को लेकर लोगों में विरक्ति का भाव है, लोग धर्म से दूर हो रहे हैं, वहीं अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय है जिसकी धर्म के प्रति निष्ठा असंदिग्ध। मॉडर्न यूरोप में मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी है युद्धग्रस्त देशों से आए प्रवासियों की। इसमें सीरिया, इराक से लेकर अफ्रीकी, एशियाई देशों के मुस्लिम देश भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन प्रवासियों में कई असामाजिक तत्व भी यूरोप पहुंचे जो गड़बड़ी कर रहे हैं। अवैध रूप से यूरोप में आए प्रवासी 2010 तक यूरोप में मुस्लिमों की आबादी अनुमानित तौर पर 4.5 करोड़ तक पहुंची थी। फ्रांस में शार्ली हेब्दो मैगजीन में छपे कार्टून के बाद हत्याकांड हो या डेनमार्क में भड़का दंगा, मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच यूरोप में तनाव सतह पर आ गया है। इस्लाम और ईसाई दोनों मिशनरी धर्म माने जाते हैं। मिशनरी यानी इन धर्मों को फैलाने के लिए मिशन के तौर पर कई धार्मिक संस्थाएं काम करती आई हैं। अफ्रीका की जनजातियां धर्म के कॉन्सेप्ट से आजाद थी। एक मशहूर कथन है जो अफ्रीका के क्रिश्चियन बनने की कहानी को दर्शाता है। अफ्रीका के लोगों के हवाले से कहा गया है कि जब ईसाई मिशनरी अफ्रीका में आए तो उनके पास बाइबल थी और हमारे पास जमीनें। उन्होंने हमसे कहा, आंख बंद कर प्रार्थना करो। जब हमने आंख खोली तो पाया हमारे पास बाइबल थी और उनके पास हमारी जमीन है। इसी तरह इस्लाम को फैलाने में किताब से लेकर तलवार तक सब कुछ काम आया। लेकिन यूरोप जहां से ईसाइयत का उदय हुआ, वहां की आबादी धर्म से दूर होने लगी, नास्तिकों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन इस्लाम में ना तो इसकी इजाजत है ना गुंजाइश। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इस वक्त ईसाई है, वहीं दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम। अब इन दो बड़े धर्मों के बीच टकराव की जमीन यूरोप में तैयार हो रही है, चाहे वो फ्रांस की घटना हो या डेनमार्क की। बता दें कि यूरोप में कुछ इलाके मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, जिसमें बोस्निया, हर्जगोविना, अल्बानिया, कोसोवो, नॉर्थ मैसिडोनिया, मॉन्टेनेग्रो और रूस का वोल्गा भी शामिल है। ब्रिटेन के कुछ शहरों में भी मुस्लिम बहुसंख्यक होने के करीब है। ऐसे में यूरोप में एक नया संघर्ष जन्म ले रहा है, जिसकी नींव तो बहुत पुरानी है लेकिन घटनाक्रम नया है। ये संघर्ष यूरोप का इतिहास हमेशा के लिए बदल सकता है। इस तरीके की तमाम किस्से, कहानियों और जानकारियों के लिए आप देखते रहे टाइम्स नाउ नव भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे थे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। Facebook या Twitter पर अगर आप ये वीडियो देख रहे थे तो हमारा पेज फॉलो करें।